नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, को पता है इस टाइम सुबह के 6:46 हो रहा है, लेकिन आज बहुत सोया, इतना सोया कि आज नींद पूरी हो गई। लेकिन यहाँ जानते हो एक चीज़ गड़बड़ क्या है, अब हर चीज़ सही तो नहीं मिल सकता परफेक्ट, लेकिन अब थोड़ा कर लेते हैं किसी तरह एडजस्टमेंट, देखते हैं। एक डेढ़ महीना की कहानी और बची हुई है, एक डेढ़ महीना और काम करके कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने का, क्योंकि यहाँ का एरिया सही है, मुझे पसंद ना आ रही है। इसलिए पसंद ना आ रही है कि यहाँ पर दूर दूर, बहुत दूर दूर दुकान है यार, इतना दुकान दूर है ना, शायद वहाँ से अगर सामान लाने चक्कर में रहे तो वो भी एक दो को दुकान है। यहाँ पर कुछ साधन नहीं है, सही मज़ा नहीं आता है। यहाँ बस कंपनी है, कंपनी चारों दिन दिखता है, मालिक का रूम मिलता है स्टाफ लोग को रहने के लिए, एसी लगा हुआ है सब में, ये लोगों तो एयर लॉक तक, कि बाहर का आवाज़ भी नहीं आता है कंपनी में क्या काम हो रहा है, सोएगा तो सो जाएगा निभोर, ठीक है। और हम लोग ऐसा बंदा को हम लोग को मिलता ही नहीं है, हेलो टन टन टन, कभी इधर हथौड़ा मार रहा है, कभी इधर पीट रहा है, कभी इधर कुछ कर रहा है, ये सब आवाज़ आती रहती है, इसलिए नींद पूरा नहीं होता ना कभी कभी। आज तो नींद पूरा हो भी गया हम लोग का, क्योंकि खूब सोए हैं आज। चलिए जा रहे हैं, अपना हिसाब से करेंगे, फिर ड्रेस व्रेस चेंज होगा, उसके बाद फिर ड्यूटी निकलना है, टाइम हो जाएगा हम लोगों का। तो सब तक सोचे थोड़ा सा गए थे अभी, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, तो फ्रेश व्रेश होकर के आ गए, अब जा रहे नहाने, नहाएंगे धोएंगे आराम से, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं खाना पीना खा करके। अब तो शीला का ही फ़ोन आ गया था, सुबह सुबह बात कर रही थी, उसने कहा कि बताने 3 भोर में कोई मेरा गेट ढकढका रहा है, और इतना ढकढका रहा है, इतना ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था ना कि मेरी नींद टूट गई, लेकिन डर से उसने गेट नहीं खोला। मैं रहूँगा तभी तो मालूम चलेगा कि आखिर कौन है, क्या गेट खोल रहा है। मैं रहता हूँ तो आज तक किसी ने गेट पीटा ही नहीं। जिस दिन भाई साहब पकड़ लूँगा मैं, उसी दिन रात में बहुत मार मार लगाऊँगा मैं, लगी मेरे रहते हो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, वही रहती है तभी ऐसा होता है, अब मैं रहता हूँ तो ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा अभी थोड़ी देर में, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अब खाना ना हो गया है, नाश्ता वास्ता हो गया, आराम से निकल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम 8 से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, और तब 10 के तब तक चलते हैं, थोड़ा सा दुकान उकान जाना है यार, सुबह सुबह यार ख़त्म हो जाता है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं ले आते हैं, अभी 8 ड्यूटी है ना, अभी 7:30 बज रहा है, अभी आधा घंटा है, और आधा घंटा अब लेकर के चले जाएंगे अपना यहाँ से। तो चलिए चलते हैं, आधा घंटे में लेकर आते हैं, तो आधा घंटा समय हमारा बचा हुआ है, और आधे घंटे में आराम से लेकर निकल जाएंगे तेजी से, और 8 तक अपना ड्यूटी भी जॉइनिंग कर लेंगे, तो इससे बारे। और बॉस मस्त है, ठीक है बॉस है, ये भी हमारा दोस्त है, साथ में खाना वाना बनाने का काम करता है, लेकिन बनाता बड़ा मस्त है लगना। चला ठीक है, चले निकलते हैं तब, यहाँ से जा रहे हैं दुकान से, तो वो सामान वान लाना था, कल आधा घंटा बचा, आधा घंटा ड्यूटी भी जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, तो चलिए लेके आते हैं। मेन बात पता है, पास में पैसा नहीं था, ठीक है, और जब हम शीला के पास जब चले थे तब ATM से निकाले थे, 1000 था, उसको सैलरी आया था तो 1000 रुपये निकाल लिए थे, वो 1000 रुपये से हम 400-500 रुपये किराया वराया दे के चले आए, वो 500 रुपया भाई साहब, अब आज लगा करके मेरा हो जाएगा गलती हो गया 20 दिन, वो 500 रुपया मेरा 20 दिन चल चुका है, मतलब 500 रुपया से हम 20 दिन चला चुके हैं सोच लो, और मेरा 10 सैलरी उल्ली आ जाएगा, जो छोटा मोटा जो इतना काम किए हैं कंपनी में होगा, 20-21 ड्यूटी है, 20-21 ड्यूटी का जो छुट्टी उट्टी भी हो गया था बीच में, अब 20-21 ड्यूटी का जितना पैसा मिलेगा वो हो जाएगा मेरा। तो अब देखते हैं उतना पैसा में क्या क्या कर सकते हैं, अभी तत्काल उम्मीद तो नहीं है हाथ में बचने का, क्योंकि जिस मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं उसका किस्त भी देना है, इसलिए हमको तो पैसा ऐसा इस बार दिक्कत ज़्यादा आ जाएगा, और मतलब पहले जो महीना का था दिक्कत वो उससे कम हो जाएगा, और इस महीने जो काम करेंगे तो थोड़ा निवारण निकल जाएगा यार, बहुत हाथ खाली है यार हाथ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ काम कर, जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं भाई, सीधा सीधी बात है, इसलिए हमको करना पड़ेगा, तो हम यही कर रहे हैं,
अब रास्ता निकल रहा है धीरे 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 धीरे, देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलते हैं। एक बार पता है यहाँ सुबह सुबह का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, पता है सुबह सुबह उठते हैं चिड़िया चीं 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 करने लगती है, कोयल बोलने लगता है, ये चीज़ वहाँ सुनने को नहीं मिलता है यार। हम लोग सोचे यहाँ पर सुबह सुबह जो है ना, मतलब हम लोग आते हैं तो इस जगह का थोड़ा सा यही अच्छा चीज़ है, मतलब लगता है ऐसे प्रकृति मतलब बनाया बहुत खूबसूरत चीज़ है। बहुत अरसे बीत गया यार, मतलब उम्मीद है कि 4-5 साल बीत चुका है, कोयल की आज तक आवाज़ ना सुनी भाई ये पूरे 5 सालों में। आज फर्स्ट टाइम मैंने कोयल की आवाज़ सुनी 5 साल बाद, दिल लगा के आए जब, कितना मस्त लगता है सुनने में। ऐसे नहीं तो मैं रोज़ वहाँ गांव में रहता था जब ना बिहार में, तो वहाँ रोज़ कोयल की आवाज़ सुनता था। कम से कम मैं 100 चिड़ियाँ आती थी, कम से कम कितने तोता आया करते थे। लेकिन अब कहाँ यार, जब से दिल्ली घुसा हूँ तब से कोयल की आवाज़ ही भूल गया, चिड़ियाँ के चहचहाने की आवाज़ भूल गया, हर वो चीज़ों को याद करता हूँ यार, मज़ा नहीं आता है। वो सारी चीज़ें बहुत कम ही मिलती हैं, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब बाहर आए घूमने के लिए यहाँ आए हैं तो मस्त लगता है, जब यहाँ सुबह सुबह चिड़ियाँ जब चहचहाती है, जैसे मैं उठता हूँ ना सुबह सुबह तो अच्छा लगता है। मतलब देख रहे हो ना कैंटीन में खाना कैसे खा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ड्रामा लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, और ड्रामा करने में सबसे आगे, छुट्टी करने में सबसे आगे रहता है, पेट में दर्द है, समझ में आ रहा है ना। बोलते हैं खाना निकाल खावे में बहुत तेज है, लेकिन ड्यूटी करने के बाद जैसे बोलेगा सुपरवाइजर पेट में दर्द है, आज शरीर में बहुत दर्द है, ऐसे बोल बोल के छुट्टी कर जाएगा। अरे हाँ मस्ती करेगा और खाना पीना खाएगा, खूब मौज मस्ती करेगा, उसके बाद फिर सामने जैसे बोलेगा आज तबीयत सही नहीं लग रही है, कैसे जाएंगे ड्यूटी, अगर तेरी भूत के। तो दोस्तों अब जा रहे हैं, अब तैयार व्यार होंगे, अब थोड़ा टाइम बचा है, थोड़ा टाइम हो गया, तैयार व्यार होकर हम निकलेंगे ड्यूटी, क्योंकि अब ड्यूटी का टाइम हो चुका है। तो चलिए अब ड्रेस वेस पहन चेंज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं ड्यूटी की, और निकलते हैं ड्यूटी में।